हेलमेट मिल गया, दोनों को हेलमेट मिल गया। के ऊपर फिल्म बनाने से तो कहीं बेहतर होता कि मैं कुरियर बॉय का काम करता। पहली बार मैं अकेला नहीं हूं। पर मेरे दोस्त? हाँ, मैं समझता हूं, तुम्हारे अंदर का इंसान बोल रहा है पीटर। और मेरी मां? आप उनसे प्यार करते थे? मैं 3 बार गया पृथ्वी उससे मिलने, और अगर मैं चौथी बार भी जाता तो वापस नहीं आ पाता। उसके दिमाग में ट्यूमर डालते वक्त मेरे हाथ कांपे जरूर थे। क्या? तुमने मेरी मां को मारा? मैंने बहुत कोशिश की। मैं तुम्हारा साथ चाहता था। इको पागल हो गया है। जानता हूँ, तैयार रहो, आगे बढ़ो क्रेगलिन। पर अब लगता है कि अगले हजारों वर्षों तक तुम सिर्फ बैटरी बन के रह जाओगे बेवकूफ। कमजोरी है। शुक्र है मैं एक दुबला पतला बच्चा था, वरना जरूर तुम मुझे संकी को सौंप देते। मुझे अभी भी लगता है कि मैंने तुझे तेरे टिकटॉक के लिए रखा। देखिए आ गया एक और नफरा करने, मेरा बाप। ईगो हमारे पूरे ब्रह्मांड का नाश करना चाहता है, उसे खत्म करना होगा। एकदम जजी में जैसा है। हमला। जब इसे ईगो के जड़ में लगाएं, क्योंकि इन छोटे छेद में हम अपनी मोटी तशरीफ लेकर घुस नहीं पाएंगे। इसकी भैंस की टांग। ध्यान से सुन, पहले ये बटन दबाना है, फिर ये बटन, इससे ये ऑन हो जाएगा। अब सुन, चाहे कुछ भी हो जाए, ये
बटन मत दबाना वरना बॉम्ब उसी वक्त फट जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। उसके बाद ये वाला दबाना, फिर तुझे 5 मिनट के अंदर वहां से निकलना होगा। नहीं, ये वाला बटन दबा के सबकी जान लेगा क्या? फिर से कोशिश कर। अरे नहीं यार, अभी तो बोला ये वाला नहीं, दिमाग में दीमक है क्या? टेप लेकर आ, देख किसी के पास कोई टेप है क्या? मुझे बॉम्ब वाले बटन पे टेप लगानी है। नेट ने बैग में कीमती बैटरीज और एटॉमिक बॉम्ब लेके घूमता है तो टेप भी तेरे पास ही होना चाहिए ना। कब से भाई तो कह रहा हूँ। इंजन गए काम से। गार्डियन सॉवरेन से कभी पंगा मत लेना। पीटर, मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अकेला नहीं करना चाहता। कब तक ब्रह्मांड के नवाजे गए मकसद से यूं ही भागते रहोगे? ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इससे बड़ा जिंदगी का कोई भी दूसरा मकसद नहीं हो सकता है। जो हो वो ना होने का नाटक मत करो। मैं अपना तीर दिमाग से नहीं चलाता हूं बच्चे, मैं अपना तीर दिल से। मेरी मां को मार के और मेरे वॉकमैन को तोड़ के बहुत बड़ी गलती की। ग्रूट, ग्रूट क्या तू मुझे सुन सकता है? जल्दी कर। भले ही वो तुम्हारा बाप था, पर
कभी डैडी नहीं बन पाए, पर मुझे फक्र है कि तुम मेरे बेटे हो। क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। यांडू प्लीज।